खालती है खालती है तुटला मिथिलेश मिथिलेश आपटला मिथिलेश आपटला खिड़कीला आपटला मिथिलेश शुभम शुभम नाही शुभम ना ना मिथिलेश 2,76,995 इतना पैसा खर्चा किया मैंने मेरी पूरी जिंदगी में जोमैटो पे। ये देखो गाइस एक जोमैटो स्पेंडिंग कैलकुलेटर करके चीज आती है, ये बताता है कि आप कितने भुक्कड़ हो। तो इसके हिसाब से मैंने 2,76,995 यानी कि 2,76,000 को हिंदी में क्या बोलते हैं 66,000 2,66,995 रुपए खर्च किया मैंने मेरी पूरी जिंदगी में। आई थिंक बहुत ज्यादा होता है ये, मुझे लगता कि नॉर्मल इंसान इतना भुक्कड़ होता है। लाइक दिस वीडियो अगर आप भी एक भुक्कड़ हो करो। हाँ इन सब भुक्कड़ है। अभी आप बताओ इसमें मेरी गलती है क्या? मैं रात को खाना खाता हूँ 1-2-3 बजे, जब यहाँ के लोग सो जाते हैं तभी मेरा दिन चालू होता है। तो मम्मी को बोर होता है रात को खाना बनाने को और वो सो जाती है, तो मम्मी के सोने के बाद मैं निकालता हूँ मेरा अभी बजने का था मैं डायलॉग मारते वक्त साइलेंट पे क्यों नहीं डालता मैं फोन। तो मम्मी के सोने के बाद मैं निकालता हूँ मेरा अस्त्र। पिछले 2-3 साल से रोज जोमैटो के भैया आते हैं मुझे खाना देके जाते हैं। बाय द वे जोमैटो वाले मुझे ये सब बोलने का पैसा नहीं दे रहे। हाय जोमैटो अगर आप सुन रहे हो तो मेरे को पैसे नहीं तो आप टोमेटो दे सकते हो, चल जाएगा। मम्मी रोज भाजी में यूज कर लेगी टोमेटो, चल जाएगा। हर रोज रात को 3 बजे जब वो मुझे खाना देने आते हैं वो सोचते हैं कि मैं बैटमैन हूँ क्या। ये देखो गाइस तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, तो रात के 4 बजे मेरे किचन में देखो क्या हाल है। तेल देखो कितना मस्त दिख रहा है। ये तेल गाइस मैं वेस्ट नहीं करने वाला, मेरी अज्जी कल बालों में लगाएगी। लेकिन गाइस मेरे पास एक सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन जिससे जोमैटो के अंकल रोज रात को 3 बजे एकदम घोड़े बेच के सो सकते हैं। देखो वैसे भी मुंबई में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, रास्ते से आने में बहुत टाइम लगता है गाइस। तो मैंने सोचा कि क्या होगा अगर हमने फूड डिलीवर किया उड़के उड़के। देखो 2-3 साल पहले तुम लोग को याद है मैंने पार्ले जी रोबोट डिलीवरी कार बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे को अगर पार्ले जी खरीदने का तो मैं क्यों जाऊँ। तो अभी ना मैं एक्चुअली जमीन से बहुत ऊपर रहता हूँ, तो वो रोबोट कुछ काम का है नहीं, इसलिए अपने को ऐसा चीज चाहिए जो उड़ सकता है, जैसे कि ये ड्रोन। इस ड्रोन से मैं करने वाला हूँ फूड डिलीवरी आसमान में उड़कर। यार पुराने जमाने में कबूतर डिलीवरी करते थे, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कबूतर है। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं फूड डिलीवरी रोबोट बनाने के लिए, लेकिन वी आर सस्तास। हम लोग को ये रोबोट बनाने का है लेकिन हमारे पास बस 5 रुपए है। देखो मैंने ना ये डब्बा लिया है, ये श्रीखंड का डब्बा है, घर पे पड़ा हुआ था, ड्रोन के ऊपर मैंने सेलो टेप लगा दिया है, अब इसको हम इस पे चिपकाएंगे। हो गया रेडी माय फूड डिलीवरी रोबोट। आई नो पापा आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका बेटा भी साइंटिस्ट है। अब ये बंद हो गया, अभी टेस्ट करना है, टेस्ट करना है कि ये काम करता है कि नहीं। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कॉफी मंगाया है या फिर चाय मंगाया है, ये रस्ते के ऊपर से आ रहा है, उड़ के आ रहा है, नीचे एक टकलू अंकल चल रहे हैं और ऊपर से कॉफी उनके टकले पे गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए वो। सो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे अज्जी पे ये प्रोडक्ट, क्योंकि अज्जी से व्यूज भी आता है। मेरी अज्जी अभी 88 ईयर्स की है, ओके, अभी भी अज्जी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक अज्जी आइसक्रीम लेने जाती है तब तक आइसक्रीम पिघल जाता है। ये देखो मैंने आपके लिए क्या लाया, आपको पसंद है ना? क्या है ये? दही वड़ा दही वड़ा नहीं है, आइसक्रीम है। कौन सा वाली? वैनिला है। हाँ। चाहिए क्या? चाहिए। सब्सक्राइब किया आपने? हाँ। किया है सब्सक्राइब? हाँ, सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब किया और लाइक किया? हाँ, लाइक किया। ये लो आइसक्रीम, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपको आइसक्रीम चाहिए तो आपको ये आइसक्रीम कमाना पड़ेगा। मैं इस आइसक्रीम को यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको जाके लेना है, ओके? आर यू रेडी? ऐसे करो रेडी। हाँ, ऑन योर मार्क गेट सेट गो गो गो। नहीं तेरे तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद हर तेरी फौज तू ही टोली। 2 hours later तारों को पकड़ लेने दे, तारों को जकड़। क्या बासुंदी बन गया आइसक्रीम का? आपका साबुन स्लो है क्या? एक और चीज जो अज्जू को बहुत ज्यादा पसंद है वो है डेरी मिल्क। उल्टा पकड़ा है, सॉरी, डेरी मिल्क। यस, ये कौन सा है? आलमंड फ्लेवर। अज्जी को सब चल जाता है, तो क्योंकि अज्जी दुकान तक जा नहीं सकती, आज हम लोग अज्जी के पास ये डिलीवर करने वाले हैं विथ द फूड डिलीवरी रोबोट। जार्विस बंद, जार्विस बंद, जार्विस हो गया। जार्विस रात को खाना चाहिए ना तेरे को। बेटा क्लोज द मास्क।
है हमारी कैडबरी। अब हम लोग इस कैडबरी को इसके अंदर डालेंगे, होपफुली ये बैलेंस करे। अब इस कैडबरी को आज तक लेके जाने का है। मजा आ रहा है, पहली बार दुनिया में ऐसी चीज हम कर रहे हैं। मितपत, ये तो बहुत आसान था, ये तो कौन भी कर सकता है। लेकिन शहर में जब तेरा फूड डिलीवरी रोबोट जाएगा, वहां पे तो बिल्डिंग्स होंगे। चुप, तेरे को लगता है मैं कुछ सोचा नहीं? हाँ, मैं ना तेरा अब दोगलापन निकालता हूँ। ये तो आसान था यार, घर पे रोबोट को चलाने का, अज्जी तक चॉकलेट लेके जाने का। इसलिए मैंने इससे भी खतरनाक चीज की। चाय बोलो भाई, चाय 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 चाय, गरम गरम चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये चाय असली नहीं है, ये चाय नकली है। हमारे घर पे ना गाइस नकली चाय मिलती है। जब भी रिश्तेदार आते हैं ना, उनको यही देते हैं हम लोग, ताकि वो निकल जाए घर से जल्दी से। अतिथि देवो भव। लेकिन मेरा बहुत इच्छा हो रहा है असली चाय पीने का। देखो, असली चाय बनाने के लिए लगने वाले साहित्य क्या होते हैं? आपको लगेगा H2O, H2O मतलब वाटर, दूध लगता है, और हाँ चाय पाउडर। ये देखो हमारे घर पे वाघ बकरी चाय। ये चाय सबके लिए बनी है गाइज, अगर आप एक बकरी हो तो भी आप ये चाय पी सकते। तो ये चाय पाउडर लगती है, और एक चीज लगती है, बताओ क्या? बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट्स में लिखो क्या लगता है। तजुर्बा। यस, तजुर्बे के बिना कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। लेकिन एक और चीज लगती है, तुम लोग भूल रहे हो, शक्कर। शक्कर के बिना चाय इज लाइक दाढ़ी के बिना टेक्निकल, गुरुजी। मैं किधर से ये सब चीजें बोलता हूँ ना। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम है, हमारे घर पे शक्कर खत्म हो गई है। तो मैं नॉर्मल इंसानों की तरह जा सकता हूँ, दुकान में नीचे जा सकता हूँ, फिर मैं उधर जाके शक्कर ढूंढ दूंगा, फिर शक्कर दूंगा, फिर शक्कर के पैसे दूंगा, और शक्कर घर पे क्या आऊंगा। शी, मैं नॉर्मल इंसान में आता नहीं हूँ, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। हमारे पास है फूड डिलीवरी कबूतर, मैं कुछ तो खतरनाक करने वाला हूँ। इमेजिन करो, एक 10 माले की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टेरेस पे तुम हो, और तुम्हें चाहिए शक्कर, बिकॉज आप बिना शक्कर के चाय नहीं पीते। तुम लोग नीचे नहीं जा सकते क्योंकि तुम आलसी हो, और ऊपर से लिफ्ट भी बंद है। तुम लोग सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे के फ्लोर पे कुत्ता है बहुत बड़ा। नो, आई एम नॉट डूइंग दिस, बाय, आई एम नॉट डूइंग दिस। मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ कुत्तों से। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में वॉट यू डू? फूड डिलीवरी रोबोट। आई थिंक वी आर गुड टू गो। ओके, देखो मेरा प्लान बहुत सिंपल था, मुझे घर से बाहर निकलने का था, आई एम आलसी, इसलिए मैंने ऊपर से रोबोट को नीचे भेजा। यू नो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। तो बिल्डिंग के टॉप से मैंने इस ड्रोन को नीचे भेजा। मेरे को बहुत डर लग रहा था ये ड्रोन चलाते वक्त, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं 10th फ्लोर से 9th फ्लोर, 9th फ्लोर से 8th फ्लोर, 8th फ्लोर से 7th फ्लोर नीचे जाता रहा। बीच में ना मेरे को एक्चुअली कबूतर भी दिखा। हाँ, उस कबूतर ने इस रोबोट को देखा और उड़ गया वो डर के बेचारा। मैं बस दिमाग में भगवान से एक चीज प्रार्थना कर रहा था, सच्ची बता रहा हूँ, कि मेरे को ना कोई भी खिड़की में कोई अंकल ना दिख जाए जो बनियान चड्डी में। बस तो ऐसे ही मैं स्लोली नीचे जाता रहा, और फिर वहां पे थी प्राची। प्राची इज माय सिस्टर, बहन। देखो मैं ना सच्ची बताऊं तो बहुत कड़वा इंसान हूँ, लेकिन प्राची बहुत स्वीट है। तो मेरे पास तो घर पे शक्कर नहीं थी, लेकिन प्राची के घर पे शक्कर थी। तो हमने क्या किया, एक चम्मच लिया, उस चम्मच को काठी से बांधा, फिर हमने ली शक्कर। अब शक्कर रेडी, रोबोट रेडी, अभी बस डालने गए। देखो रोबोट खिड़की के बाहर आ गया था, वो प्राची का इंतजार कर रहा था वहां पे। प्राची के हाथ में काठी थी, और उस काठी से बस रोबोट के अंदर शक्कर डालनी थी। आसान, वेरी आसान, मुझे भी यही लगा। लेकिन फिर खिड़की शुभम बाहर काढ़ अजून, बाहर 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 बाहर। भाई मेरी वाट लग गई थी, लिटरली VAAT, वाट। याद है तुम लोग को, ऑलरेडी एक बार मैंने एक ड्रोन तोड़ दिया था, मेरे को लगा इसका भी अंतिम संस्कार होने वाला है, लेकिन कैसे तो करके ये बेचारा बच गया। अभी इसके बाद जल्दी से मैंने प्राची को बोला कि प्राची फास्ट put it inside and fly। ओके, ठीक है
दाल प्राची दाल शक्कर नाइस डाल दिया डाल दिया उसने हो गया अभी ऊपर आ जा We did it! Shakkar is here! Land हो जा, आजा मेरे पैर पे लैंड हो जा गाइज मैं इसको लैंड करो मेरे ऊपर आई होप कि मैं जिंदा बचू अगर मैं अरे मेरी चड्डी दिख रही है एक मिनट डर लग रहा है मैं कटने वाला हूँ हो गया वी आर सेफ तो ऐसी करके मैंने किया दुनिया का सबसे पहला शक्कर डिलीवरी हवे में उड़कर और बनाई मेरी मीठी चाय अब इस चाय को हम नहीं सॉरी मैं पीऊंगा लेकिन मेरे को ना चाय के साथ पार्ले जी खाने को बहुत मजा आता है हेलो फूड डिलीवरी रोबोट वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय